अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बड़ी खबर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ जो खबर शेयर करने जा रहा हूँ सरकारी मुलाज़मीन के हवाले से, और वो इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि ईद के तीसरे रोज़ भी छुट्टी होनी चाहिए। तो इस हवाले से अभी एक खबर आई है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा कि ईद के तीसरे रोज़ भी तातील का ऐलान कर दिया गया है। ये किस हवाले से खबर है? बलूचिस्तान में ईद के तीसरे रोज़ भी तातील का ऐलान। सूबाई हुकूमत के अलामिया के मुताबिक सुबह भर में पीर 3 अगस्त को आम तातील होगी। तफसीलात के मुताबिक बलूचिस्तान वाहिद सूबा है जहाँ ईद के तीसरे रोज़ भी आम तातील का ऐलान किया गया है। सूबाई हुकूमत के मुतल्लिका महकमे की जानब से जारी अलामिया के मुताबिक सूबे भर में ईद के तीसरे रोज 3 अगस्त बरोज पीर को आम तातील होगी। दूसरी जानब वफाकी हुकूमत पंजाब और सिंध भी ईद उल अज़हा की तातीलात का ऐलान कर चुके हैं। सिंध हुकूमत की जानब से गुज़श्ता रोज़ जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक ईद की छुट्टियां 31 जुलाई से 2 अगस्त तक होंगी। इससे कबल पंजाब हुकूमत ने भी ईद की छुट्टियों का ऐलान कर दिया था। सूबे के सरकारी इदारे ईद की तातीलात के सिलसिले में 31 जुलाई से 2 अगस्त तक बंद रहेंगे। पीर 3 अगस्त से तमाम सरकारी इदारे दोबारा से खुल जाएंगे, जबकि वफाकी हुकूमत ने भी ऐलान किया था कि ईद के मौके पर 3 छुट्टियाँ दी जाएंगी। खबरें गर्दिश कर रही थी कि ईद के लिए सिर्फ 1 छुट्टी दी जाएगी, ताहम हुकूमत ने इसकी तरदीद करते हुए 31 जुलाई से 2 अगस्त तक तातीलात का ऐलान किया। वाज़ेह रहे कि रोते हलाल कमेटी ने कुछ रोज़ कबल ऐलान किया था कि मुल्क में 1 अगस्त को ईद उल अज़हा मनाई जाएगी, जबकि गुज़श्ता रोज़ मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने भी हुकूमत से मुतालबा किया था कि ईद के तीसरे रोज़ यानी 3 अगस्त को भी आम तातील दी जाए। बलूचिस्तान में ईद के तीसरे रोज़ भी तातील का ऐलान। सूबाई हुकूमत के इलामियों को के मुताबिक सुबह भर में पीर 3 अगस्त को आम तातील होगी। तफसीलात के मुताबिक बलूचिस्तान वाहिद सूबा है जहाँ ईद के तीसरे रोज़ भी आम तातील का ऐलान किया गया है। सूबाई हुकूमत के मुतल्लिका महकमे की जानब से जारी इलामिया के मुताबिक सुबह भर में ईद के तीसरे रोज 3 अगस्त बरोज पीर को आम तातील होगी। बड़ी खबर आपको देता चलूं कि सोमवार वाले दिन भी अब तीसरे रोज भी ईद के जो है वो तातील होगी। लेटेस्ट अपडेट आपने सुनी है, उम्मीद करता हूं इंफॉर्मेशन पसंद आएगी और आप इसको शेयर करेंगे, चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे।